दोस्तों, मैं आम्रपाली शर्मा हूँ। मुंबई मलाड वेस्ट मालवणी के एरिया में रहती हूँ। यहाँ के कुछ सांप्रदायिक मुस्लिम लोग मुझे हैरस कर रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और बहाने लेते हैं कभी एनिमल फीडिंग के, कभी किसी और चीज़ के। अब यहाँ पूरी और पूरा पब्लिक में मेरे खिलाफ भड़का देते हैं। मेरे दरवाजे पे नॉनवेज डाला है पूरा, इतना गंदा नॉनवेज डाला है पूरा। मुझे पता नहीं वो क्या था। मैं पुलिस स्टेशन गई, उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं लेता। पता नहीं उनकी क्या पहुंच है या क्या कनेक्शन है। ये सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये मजबूर कर रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूं, और मैं मर जाऊं तो मेरा फ्लैट ग्रैब कर लेगा कोई, और यह चाहते मैं यहां से भाग जाऊं घर बेच के। ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है अपने देश में। एक हिंदू महिला जानवर प्रेमी होने के तौर पे मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे मेंटली हैरेस किया जा रहा है, और रोज मारने की धमकी दी जाती है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये लोग रोज इकट्ठा हो जाते हैं और मेरी बिल्डिंग के सेक्रेटरी, चेयरमैन सब मुझे हैरेस कर रहे हैं। मेरे दरवाजे पे जो नॉनवेज डलवाया है वो उन्होंने डलाया है, लेकिन पुलिस ने कम्प्लेन नहीं ली। उसमें बीफ था, क्या था, वो भी चेक नहीं किया। अब इनके किसी के दरवाजे पे कोई डाले तो उसपे तो दंगे फसाद हो जाएंगे। यहाँ पर एक हिंदू आदमी, एक हिंदू महिला इस पूरे देश में एक जगह पे रह रही है, तो वो उसकी गलती है कि वो मुस्लिम बहुल एरिया में आके रह रही है। मैं सेक्युलर हूँ, लेकिन मुझे अपने एज ए हिंदू अपनी अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं टारगेट हूँ, मैं विक्टिम हूँ यहाँ। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? लोग बोलते रहे तुमने मुस्लिम एरिया में जगह लेके गलत कर दिया। अपना देश है, और इनके साथ किसी के साथ कुछ भी होता है, ये माइनॉरिटी का झंडा लेके ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, पूरा देश इनके सपोर्ट में आ जाता है। मुंबई के मलाड पक्षी मालवनी से एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में महिला अपना नाम अमरपाली दुबे बता रही है, और उसका कहना है कि उन्हें किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। इन वीडियो के वायरल होते ही जब इस वीडियो की खबर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी को लगी, तो गोपाल शेट्टी ने शीघ्र ही इस पर जांच करने की मांग को लेकर मालवनी पुलिस स्टेशन में पत्र दिया, और उन्होंने जल्द से जल्द इस पर जांच करने की मांग की है कि आखिर क्या यह पूरा मामला है, क्या इस महिला को परेशान किया जा रहा है या फिर इनकी और कोई साजिश है। इसी विषय को लेकर हमने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस वायरल वीडियो में जो महिला कह रही है उसको लेकर। नहीं, ये वीडियो जैसे अनेकों के पास आया उसी तरह मेरे पास भी ये वीडियो आया, और ये वीडियो देखने के बाद में मैंने तुरंत मलाड के सीनियर इंस्पेक्टर को चिट्ठी लिखकर इसका छानबीन करने के लिए कहा, और छानबीन करने के बाद में अगर बात सही है तो एक्शन लो, नहीं तो कोई वीडियो चल रहा है इसलिए कभी कभी पुलिस लोग भी FIR वगैरह दर्ज करते हैं, तो मैंने इसका छानबीन करो करके कहा, और पुलिस का काम करेगी। और बाद में कुछ बातें भी कल मुझे अन्य अन्य माध्यम से पता चला, तो फिर DCP से भी आज सवेरे मैंने बात किया है। मैंने कहा कि पूरा इंक्वायरी करके उसके बाद में ही आप स्टेप लीजिए करके, नहीं तो कभी कभी पॉलिटिशियन लोगों का लेटर जाते ही पुलिस हरकत में आ जाती है और फिर नहीं होने वाला काम भी हो जाता है। तो कम से कम मेरा सभी डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है कि मेरा काम है लेटर लिखना लोगों का सुनकर, लेकिन इंक्वायरी करना ये पुलिस का काम है। सर, आपके लेटर के बाद तुरंत ही पुलिस हरकत में भी आई है, उसकी जांच भी कर रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ इलेक्शन अब पास में है, तो क्या लगता है ऐसे में हिंदू मुस्लिम करने की तो कोई साजिश नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए साजिश तो देश में बहुत होता है, पार्लियामेंट में भी आप देखते हैं किस तरह का डिबेट और डिस्कशन इन दिनों में हो रहा है। वैसे चुनाव आता है तो इस प्रकार के हरकत कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर नहीं है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा के नाते 10 साल मैंने मारोली में प्रतिनिधित्व किया, 10 साल में किसी भी प्रकार का इस प्रकार के मन मुटाव होने नहीं दिया, हिंदुओं का सम्मान बरकरार कैसे रहे उसका ये हमेशा मैंने प्रयास किया। लेकिन बेफजूल किसी अन्य धर्म के लोगों को गालियां देना, उनका उनका दिल को दुखाना, यह भी मेरे स्वभाव में रहा नहीं है, और अभी भी मैं उस झमेले में पड़ना नहीं चाहता हूं। मेरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना है कि आप काम करके आपकी लाइन को आगे बढ़ाइए, आपको किसी दूसरे जात के धर्म के लोगों को हिंदू मुसलमान ये करके कोई बहुत, एक बार आप चुनाव जीत जाओगे, बार बार नहीं जीतते हो, बार बार जीतना है तो आपको काम करना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा आपको। तो मेरा सिस्टम पहले का भी वही था और अभी भी वही रहेगा, इसलिए मीडिया के पास भी अगर कोई जानकारी अमरपाली शर्मा के बारे में हो तो वो भी मुझे बताइए आप, लेकिन अगर वो सही है लड़की लेडी जो भी है वो, तो उसको मदद भी होना चाहिए, पुलिस भी मदद करेगी, हम भी मदद करेंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई गलत आरोप करके किसी को अगर परेशान करने का प्रयास होता होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं पड़ेगी। नहीं तो ठीक है, मैंने कहा ना कि पुलिस पुलिस का काम करेगी, और मुंबई पुलिस का एक बात तो हमको मानना पड़ेगा, बहुत ऐसा कम घटनाएं होती है जिसमें गलत एक्शन किसी पर हुआ होता है, गलत होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। देवेंद्र जी का आपने वीडियो देखा होगा, गिरीश महाजन जी को किस प्रकार से
मकोका में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। अब गिरीश महाजन जी देवेंद्र फडणवीस जी के नजदीक के थे, इसलिए वो बच पाए। हमारे बोरीवली के एक मैटर में उसको मैं उजागर करूंगा आने वाले दिनों में, 101% गलत मकोका लगाया गया है। लेकिन बाय एंड लार्ज पुलिस बहुत चौकन्ना होकर काम करती है, लेकिन पुलिस के ऊपर प्रेशर कहीं से आता है तो फिर पुलिस कभी कभी इस प्रकार का गलत काम करती है। लेकिन मेरा लेटर बहुत स्पष्ट होता है हमेशा, मेरा लेटर को मुद्दे नजर बनाकर किसी के ऊपर गलत कार्रवाई होनी नहीं चाहिए।